जैसा ये इसका हॉपर है तो इसमें आप देख पा रहे हैं ये रो मटेरियल हमने इसमें डाल दिया है। अभी हम आपको इसमें ये देखिए इस टाइप से इसमें रो मटेरियल जो है फीड करना होता है। मतलब चोट मारनी है, फिर इस प्लेट को है जो पीछे खींचेंगे। ये देखिए ये आपका ईंट एकदम कंप्लीट बन के रेडी है, हमारा मटेरियल रेडी है। इसमें जैसा हमने जो आपको बताया था रेत डस्ट सीमेंट सारी चीज़ें जो डल के एकदम बिल्कुल रेडी है। इसको आपको इस टाइप से मटेरियल मिक्स करना है, ठीक है, और ये इस डब्बे में है। अभी हम आपको दिखाएंगे इसमें हमारे पास कई सारी ब्रिक्स मशीन है जिनके अलग अलग ब्रिक्स मशीन के प्रोडक्शन है, अलग अलग ही उनकी क्वालिटी है, अलग अलग ही उनकी प्राइस है। तो जैसा आप भी देख पा रहे हैं ये सबसे छोटा वाला मशीन है। अच्छा। तो आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अच्छा। ठीक है, और एक बार इसको हल्का सा वाइब्रेट करेंगे। ये वाइब्रेट करने से इसका जो भी है आपका जो मेटल है वो सेट हो गया है। अभी इस डब्बे को खिसकाएंगे अपन इसको। ये आपका होपर होता है। अब आपको हल्के हाथ से इसको लाना है, फिर इसको हल्के से नीचे रखा है और वाइब्रेट कर। ये आपका ईंट जो है बनके रेडी है। अभी हम इसको हल्के हाथ से इसको उठाएंगे। ब्रिक्स एकदम बनके कंप्लीट है। जैसा मैंने बताया था इस मशीन को कोई भी ऑपरेट कर सकता है। तो आप देख पा रहे हैं ये एकदम आपका ब्रिक्स बिल्कुल रेडी है। इसी में दो तीन तरह के मॉडल आते हैं, जैसा कि अभी ये देख पा रहे हैं तो ये बिल्कुल मैनुअल है। ठीक है, ये फोर ब्रिक्स का है। इसी में हमारे पास ये फोर ब्रिक्स के आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 मशीन ये रखी हुई है। फिर उसके पीछे 4, 6 ब्रिक्स की रखी हुई है। फिर इधर की साइड में 6 ब्रिक्स रखे हुए ना, मतलब हर जो भी लगता है। बिल्कुल सर, उसका रीजन ये होता है कि हमारे पास क्या सर ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ इंडिया के ऑर्डर होते हैं। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का यह जो वीडियो है फ्लाई अस के यानी कि ईंट बनाने वाली मशीन के ऊपर होने वाला है। आप लोग राख से बनाएंगे ईंट, ठीक है। तो मैं आप लोग को लेकर आ गया हूँ राजस्थान के भीलवाड़ा में और विजिट किया हूँ सीबी इंटरप्राइजेज में। और आप लोग इनके यहाँ पर देख पा रहे हैं, मतलब यहाँ पर ये जो मशीन है काफ़ी भारी मात्रा में, ठीक है, प्रोडक्शन करते हैं, खुद का इनका मैन्युफैक्चरिंग है, बनाते हैं। तो मैं आप लोग को, ठीक है, इस वीडियो में जो ईंट बनाने वाली मशीन होती है उसका पूरा आप लोग को रिव्यू दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं इसका बिजनेस शुरू करना तो मिनिमम कितना लगा सकते हैं, मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। अगर आप लोग को, ठीक है, इस मशीन का जो बिजनेस है काफ़ी हाई लेवल पर करना है तभी कर सकते हैं, ठीक है, सब कुछ डिटेल जानेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इनके यहाँ जो मशीन का स्टॉक है काफ़ी ढेरों सारा है। अगर आप लोग चाहते हैं इनसे जुड़ना तो कैसे जुड़ सकते हैं, अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ के जो ऑनर है सीबी इंटरप्राइज के, सीबी इंटरप्राइज के जो ऑनर है सर हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर कैसे हैं? जी सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा भाई सर, ये बताइए आज की इस वीडियो में हम लोग जो ईंट बनाने वाली मशीन देख रहे हैं कि हम लोग मतलब राख से ईंट बनाएंगे, तो ये जो मशीन है हम लोग पूरा रिव्यू जानने वाले हैं। इससे पहले हमको अपने कंपनी के बारे में बताइए, ये जो कंपनी है आपका मतलब भीलवाड़ा में कब से काम कर रहा है और अभी तक मतलब कौन कौन सा मशीन मतलब बना रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा हमारी कंपनी में। मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा है, हमारी कंपनी का नाम है सीबी एंटरप्राइजेज जो राजस्थान भीलवाड़ा में है। अच्छा। तो सर जैसा कि आपने पूछा कि राख से ईंट बनाने की मशीन, तो आज हम आपको जो मशीन दिखा रहे हैं इस मशीन में सबसे कम इन्वेस्टमेंट में और सबसे छोटे स्तर पे अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद मशीन होने वाली है। अच्छा अच्छा। और आपने जैसा पूछा कि हमारी कंपनी कितने टाइम से काम कर रही है, तो हमारी कंपनी पिछले 15 सालों से वर्क कर रही है। ठीक है, इसमें हमारे पास कई सारी ब्रिक्स मशीन है जिनके अलग अलग ब्रिक्स मशीन के प्रोडक्शन है, अलग अलग ही उनकी क्वालिटी है, अलग अलग ही उनकी प्राइस है। तो जैसा आप भी देख पा रहे हैं ये सबसे छोटा वाला मशीन है। अच्छा। तो आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अच्छा भैया, बात करें मतलब कौन कौन सा मशीन डील करते हैं अपनी कंपनी के अंदर? सर हमारे पास जो मशीन है मैनुअल मशीन से लेकर के सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक तक सारी मशीनें हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। बाकी आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो मशीन है लगा हुआ है इसका हम लोग सारी डिटेल जानने वाले हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले बात करते हैं इस मशीन के बारे में, थोड़ा इसके बारे में बताइए अगर कोई लेना चाहता है इसमें क्या क्या मतलब लगेगा? बिल्कुल, ये हमारा फोर ब्रिक्स मैनुअल मशीन हम इसको बोलते हैं। ये वाइब्रेटर का काम करता है, इसमें एक बार में 4 ईंट बनती है, इसीलिए इसको फोर ब्रिक्स बोलते हैं।
मतलब एक बार में चार ईट मॉडल प्रोडक्शन होता है। बिल्कुल, एक बार में चार ईट बनती है और इसी में जो मॉडल दूसरा मॉडल आता है वो छह ईट का आता है जिसको हम सिक्स ब्रिक्स मॉडल बोलते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा भैया, मतलब इसमें भी टाइप मतलब कई टाइप आता होगा ना? बिल्कुल, इसी में दो तीन तरह के मॉडल आते हैं, जैसा कि अभी ये देख पा रहे हैं तो ये बिल्कुल मैनुअल है। ठीक है, ये फोर ब्रिक्स का है, इसी में हमारे पास ये फोर ब्रिक्स के आप देख सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छह मशीन ये रखी हुई है, फिर उसके पीछे फोर सिक्स ब्रिक्स की रखी हुई है, फिर इधर की साइड में सिक्स ब्रिक्स रखे हुए ना, मतलब हर इंच जो भी लगता है। बिल्कुल सर, उसका रीजन ये होता है कि हमारे पास क्या सर, ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ इंडिया के ऑर्डर होते हैं, तो हमें ऑर्डर पूरे करने के लिए स्टॉक रखना जरूरी होता है कि जैसे ही किसी कस्टमर का ऑर्डर आया, हैंड टू हैंड माल ट्रांसपोर्ट पे लगा, सातवें दिन कस्टमर के पास मशीन। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। तो बाकी आप लोग देख पा रहे हैं इनका जो मतलब है खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी है मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग करते जाते हैं और जैसा ऑर्डर आता है उस हिसाब से डील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे है रिक्को में, वहाँ से हमारा सारा माल प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, और ये हमारा जो स्टॉक गोडाउन है, तो उसका रीजन ये होता है कि स्टॉक गोडाउन हमने पास में इसलिए रखा हुआ है कि यहाँ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन है, तो कोई भी बंदा किसी भी स्टेट से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर विजिट करते हैं तो उनको आने में यहाँ पे आसानी रहती है। अच्छा भैया, बात करते हैं इस मशीन में कितने प्रकार की मशीन आता होगा, इसे बात करें तो ये तो आपका छोटा वाला हो गया, मतलब कितने टाइप का आता होगा? इसी में हमारे पास 18 से 20 तरह के मॉडल हमारी कंपनी बनाती है। अच्छा। जैसे मैं आपको 10-12 तो दिखाई देता हूँ। सबसे पहला ये हमारा 4 ब्रिक्स मशीन है, दूसरा हमारा ये 6 ब्रिक्स मशीन रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर ये एक मॉडल ये आ जाता है जिसको हम हाइड्रोलिक मॉडल बोलते हैं। हाइड्रोलिक मॉडल हाइड्रोलिक होता है, इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर लगा हुआ रहता है, इसकी पावर टैंक रहती है ये। ठीक है, तो इसको प्रेशर मिलती है। इसी में फिर एक वो आ जाता है 4 केविटी का। ठीक है, हर टाइप का रखे हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी में आपको 4 केविटी हाइड्रोलिक मिल जाता है, फिर इसी में आपको हाइड्रोलिक 4 केविटी वाइब्रेशन मिल जाता है। ठीक है, फिर इसी से अगर बड़े मॉडल पे चलते हैं अपन, तो ये हमारा 6 ब्रिक्स मैनुअल लीवर ऑपरेटिंग होता है, इसी में फिर 8 ब्रिक्स 10 ब्रिक्स 12 ब्रिक्स तक की जो है हमारी कंपनी मशीन मैन्युफैक्चरिंग करती है। मतलब 18 से 20 मॉडल देखने को मिलेगा। बिल्कुल 18 से 20। इसी में अगर आप देखना चाहें तो ये जैसे हमारे पास मिक्सर रखे हुए हैं, इसमें अलग अलग टाइप के मिक्सर होते हैं, जैसे 3 फीट का 4 फीट का 5 फीट का 6 फीट का सारे मिक्सर मिलेंगे। ये फिर दूसरा मॉडल आ जाता है हमारा पेवर ब्लॉक का। अच्छा ठीक है, इसमें आप पेवर ब्लॉक, जिगजैग ब्लॉक, इंटरलॉक ब्लॉक जो है बना सकते हैं, चलता रहेगा ना भैया? बिल्कुल। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, बात करते हैं अगर ये मशीन कोई लेता है, ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, मतलब अगर कैसे ऑर्डर वगैरह कर? बिल्कुल, सबसे पहले तो अगर कोई इस मशीन को लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर डिस्प्ले पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, वहां से आप कॉन्टेक्ट करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, इसका पूरा कोटेशन ले सकते हैं, इसका वीडियो डिटेल सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो सबसे आसान प्रोसेस है, आप अगर भीलवाड़ा आना चाहे तो यहाँ भी आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कैश ऑन डिलीवरी। अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध है? बिल्कुल, हमारी कंपनी आपको ऑल ओवर इंडिया या इंडिया के बाहर आप कहीं से भी हैं तो आपको कैश ऑन डिलीवरी देगी। उसमें आपको जो अमाउंट होता है टोटल, उसका 20% हमारे अकाउंट में जमा करवाना है और बाकी का 80% जब मशीन आपके आसपास जो भी ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है वहां पहुंचने के बाद आप मशीन देखिए, फिर 80% अमाउंट क्लियर। अच्छा ठीक है भैया, बात करें तो इस मशीन को तो कैसे मतलब जो ईट है बनता है, क्या क्या मटेरियल लगेगा? बिल्कुल, उसके बारे में बताइए। बाकी इसका जो बनाने का कॉस्ट कितना आएगा, हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मतलब कितना इससे हम लोग कमा सकते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले आपने जैसे इसकी बात करी कि इस मशीन को ऑपरेट करने का, तो आइए हम आपको इसको लाइव चला के दिखा देता हूँ अभी यहीं पे कि इसको ऑपरेट करना कितना आसान है। दूसरी चीज आपने बताई थी कि इन्वेस्टमेंट, आपका जो इसका इन्वेस्टमेंट रहेगा तो अप्रोक्स अगर आप मशीन से स्टार्ट करते हैं तो 1 लाख रुपए के अंदर आपका रॉ मटेरियल आ गया, मशीन ट्रांसपोर्ट जीएसटी सब आ जाता है 1 लाख। क्या क्या मतलब चाहिए इसको बनाने? मटेरियल के अंदर आपको इसमें पहला चाहिए सीमेंट, दूसरा डस्ट जो क्रशर प्लांट की डस्ट होती है, तीसरा कंक्रीट गिट्टी जिसको अपन बोलते हैं, 6 mm गिट्टी आती है जो आपको क्रशर प्लांट से मिलेगी। ये मतलब सीमेंट में कई प्रकार का नाता होगा? वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सा भी डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा जी बिल्कुल, सीमेंट सारे एक जैसे होते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं होता है। और तीसरी चीज जैसे मैंने बताया आपको गिट्टी, और चौथा आता है इसके अंदर रेत, जिसको रेत भी बोलते हैं, बजरी भी बोलते हैं, सेंध भी बोलते हैं, बालू भी बोलते हैं, जैसा देश वैसा भेष, मतलब हर जगह अलग अलग नाम से उसको जानते हैं जी। प्लस इसके जो मटेरियल हैं उसमें आपके कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट आपको फ्री में देते हैं, जैसे इसकी राख जी, तो वो आपको फ्री में मिलती है। अच्छा जी, मतलब जो राख फ्री मिलते हैं वो कहाँ से? मतलब आपके अगल बगल में जो भी बिजली उत्पादन क्षेत्र जहाँ बिजली बनती है जिसको थर्मल प्लांट बोलते हैं, अच्छा, वहाँ से वो मिलती है। अच्छा अच्छा ठीक है जी। बाकी भैया इस मशीन के अंदर क्या क्या मतलब फिट किया जाता है, मोटर वगैरह ये सब सेट रहता है क्या? बिल्कुल, इसके अंदर 1 HP का मोटर लगा हुआ रहेगा नीचे, सिंगल फेज के कनेक्शन से चलेगा और मोटर की जो है 1 ईयर गारंटी होती है, अगर 1 साल में आपकी मोटर जल जाती है तो कंपनी पीस टू पीस रिप्लेस करके देगी।
अच्छा ठीक है, अब ये सेटअप बात करें तो मतलब इसमें कितना सेटअप आएगा और जो सेटअप का जो प्राइस रहने वाला है कितना रहने वाला है, मिनिमम कितने से इस मशीन को हम लोग शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल 60,000 रुपए प्लस ट्रांसपोर्ट जीएसटी एक्स्ट्रा है इस मशीन की प्राइस है। इसमें अगर आप पूरा सेटअप लेते हैं तो ये मिक्सर भी आता है जी। डिपेंड करता है मिक्सर आपको क्या साइज का चाहिए। इसमें जैसे ये 3 फीट का है, इसके अंदर ये 2 रोलर लगे हुए हैं, 3 HP की सिंगल फेज की इसमें मोटर लगी हुई है जी जी। और इसमें फिर अलग अलग मोटर आ जाते हैं 3 फीट 4 फीट 5 फीट 6 फीट, तो वो डिपेंड करता है कि आपको साइज क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम आपको मिक्सर बना के दे देते हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस होती है वो सारी डिस्कस हो जाती है। अच्छा भैया, जो हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो मतलब पर मतलब कितना घंटा में कितना प्रोडक्शन हो जाएगा, और जो प्रोडक्शन की जो बात करें तो मतलब उससे हम लोग कितना अपना खर्च निकाल सकेंगे? हाँ, ये आपकी जो है इसमें आपकी एक तरह से इनकम की बात हुई है कि जैसे आप अगर इस मशीन से स्टार्ट करते हैं तो कितनी इनकम। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें तो अगर आप 8 घंटे इस मशीन को चलाते हैं तो ही आपको जो है प्रॉफिट होगा। अच्छा। नहीं चलाने से आप अगर मशीन ले जाके रख दोगे तो कोई प्रॉफिट नहीं है। कल को आप बोल दो कि आप वीडियो में तो बोल रहे थे इतने कमा रहे हो, तो उसके लिए आपको इस मशीन को चलाना पड़ेगा। अच्छा। और इसका मटेरियल बनाना पड़ेगा जी। तो इसके प्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो 2,500 से 3,000 ईंटें ये रेडी कर देती है 8 घंटे में। अच्छा, मतलब 2,500 से 3,000 8 घंटे रेडी कर देता है। बिल्कुल। और इसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट की अगर अपन बात करें तो इसका पर ईंट पे जो खर्चा आता है वो 2.5 रुपए से लेकर के 3.5 रुपए हाईएस्ट इसके बीच में रहता है। तो वो एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है, अलग अलग एरिया में मटेरियल की कॉस्ट अलग अलग होने के कारण उसकी जो है कॉस्ट ईंट की अलग अलग आती है। तो लगभग 3-3.5 में तैयार होती है और 4.5 से 5 रुपए में सेल होती है। तो 1 से 1.5 रुपए जो आपका मार्जिन रहेगा जी, मतलब 1 से 1.5 रुपए बचता है। मतलब प्रतिदिन आप 8 घंटा काम करिए, अपना प्रोडक्शन करिए, मतलब 1-1 रुपया अगर 2.5 से 3 ईंट बनाते हैं तो मतलब 3,000 कमा सकते हैं। अप्रोक्स आप 2.5 से 3,000 रुपए आप इसके कमा सकते हैं। अच्छा, बात करें तो सर्विस की, भैया मतलब सर्विस में मतलब इसमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे लो मेंटेनेंस मशीन है सर, इसके अंदर आपको कोई मेंटेनेंस ही नहीं है। इसकी मोटर है जिसकी 1 साल की गारंटी है, बाकी इसके अंदर पूरी मशीन लोहे से बनी हुई है और जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं सारे ओरिजिनल और ब्रांडेड कंपनी के लगे हुए हैं। अच्छा। तो इसीलिए आपको इसमें किसी तरह का कोई मेंटेनेंस आना ही नहीं है जी। मतलब जो भी है ब्रांडेड लगा हुआ ना, बिल्कुल किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा? नहीं सर, 1% भी नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भैया यहाँ के जो सर हैं आप लोगों को सब कुछ बताए हैं, एक्सप्लेन किए हैं कैसे क्या है, मिनिमम क्या प्राइस है, जो मटेरियल है क्या लगेगा। भैया अब बात करते हैं इस मशीन को चलाने का। बिल्कुल, कैसे चलता है थोड़ा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, मैं अभी आपको इसको डेमो करके दिखाता हूँ, चालू करके दिखा देता हूँ। तो आइए अभी अपन इसको डेमो करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इस मशीन को ऑपरेट करना बहुत ही आसान होता है, तो सबसे पहले हम आपको इसका डेमो करके दिखाते हैं। अब इसमें आप मटेरियल डालेंगे, ठीक है, ये देखिए जैसा अभी हमारा मटेरियल रेडी है, इसमें जैसा हमने जो आपको बताया था रेत डस्ट सीमेंट सारी चीजें जो डल के एकदम बिल्कुल रेडी है, इसको आपको इस टाइप से मटेरियल मिक्स करना है, ठीक है। और ये इस डब्बे में है, अभी हम आपको दिखाएंगे, लीजिए ये देखिए। ये इस टाइप से आपको पूरा मटेरियल डालना है इसमें, ठीक है। और एक बार इसको हल्का सा वाइब्रेट करेंगे, ये वाइब्रेट करने से इसका जो भी है आपका जो मटेरियल है वो सेट हो गया है। अभी इस डब्बे को खिसकाएंगे अपन, इसको ये आपका होपर होता है, अब आपको हल्के हाथ से इसको लाना है, फिर इसको हल्के से नीचे रखा है और वाइब्रेट कर, ये आपका ईंट जो है बनके रेडी है। अभी हम इसको हल्के हाथ से इसको उठाएंगे, ये देखिए ये आपका ब्रिक्स एकदम बनके कंप्लीट है। जैसा मैंने बताया था इस मशीन को कोई भी ऑपरेट कर सकता है, तो आप देख पा रहे हैं ये एकदम आपका ब्रिक्स बिल्कुल रेडी है। अब इसको अपन सुखाने की प्रोसेस करेंगे, इसको ले जाके आपको धूप में रखना है, सुखाना है। जैसा आपको बताया था कि अभी आपने जैसा मैनुअल मशीन का देखा, तो अभी हम आपको इसी में हाइड्रोलिक मशीन से जो अपर मॉडल है उसका करके दिखाते हैं। ये हमारा 3 KVT का मशीन है, 3 ईंट जिसको अपन बोलते हैं। इसमें आपको 3 HP का मोटर मिलता है, सिंगल फेज 3 फेज कस्टमर चॉइस अवेलेबल करवा देते हैं हम। तो ये जैसे इसमें 3 फेज का मोटर लगा हुआ है, इसमें आपको सिंगल फेज चाहिए वो भी मिलेगा। तो अभी हम आपको इसका डेमो करके दिखाते हैं। बहुत ही आसान होता है इस मशीन को ऑपरेट करना। जैसा ये इसका होपर है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं ये रोमेटरल हमने इसमें डाल दिया है। अभी हम आपको इसमें ये देखिए इस टाइप से इसमें रोमेटरल जो है फीड करना होता है।
ये देखिए, ये भी आपका इसमें रॉ मटेरियल फीड हो गया। फिर इस प्लेट को आपको इसको खिसकाना है और ये इसका प्रेशर का होता है। ये देखिए, अभी हमने इसमें प्रेशर दिया, ठीक है, और अभी आपका ये जो ईट है बिल्कुल रेडी है बनके। अभी आपको इसको क्या करना है कि हथौड़े से इसमें मतलब चोट मारनी है, फिर इस प्लेट को है जो पीछे खींचेंगे। ये देखिए, ये आपका ईंट एकदम कंप्लीट बनके रेडी है, ठीक है। अब आप इसको ईंट को उठाकर अपना जो सुखाने का प्रोसेस है वो कर सकते हैं। हम लोग ने देखा है आज का ये जो वीडियो है, हम लोग ठीक है फ्लाई एस्क यानी राख से ईंट बनाने वाली मशीन के ऊपर हम लोग जो वीडियो है किए हैं। बाकी यहाँ से जो वीडियो है तीन चार और आने वाली है, कौन सा आने वाला है आप लोग को ठीक है देखने को मिलेगा। भैया जो हम लोग अगला जो वीडियो शूट करने वाले हैं कौन कौन सा यहाँ से आने वाला है उसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, इसमें हमारे पास कई तरह के अलग अलग मॉडल है, तो अगर आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो ही देख पाएंगे, बाकी ऐसे समझाने से तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। अगर वीडियो को पूरा देखेंगे और उसमें जाएंगे तो आपको पूरा पता चलेगा कि इसमें आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, उसमें आपको कितना मार्जिन है, कितनी लागत है, सारी चीज मिलेगी। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, जाते जाते एक बार यहाँ का हमको एड्रेस बता दीजिए और एक मोबाइल नंबर बता दीजिए। बिल्कुल, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो भीलवाड़ा, राजस्थान भीलवाड़ा में रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर दूरी पर है, जिसको पुराना रिक्को बोलते हैं जी। और अगर आप यहाँ आके कॉल करेंगे तो हमारे बंदे आपको रिसीव कर लेंगे, तो यहाँ से कोई ज्यादा दूरी नहीं है। और मोबाइल नंबर पे अगर आप कॉन्टेक्ट करते हैं तो 9660710438, ये हमारा ऑफिस का नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को डिस्प्ले पे यहाँ का जो ठीक है तीन चार नंबर आप लोग को देखने को मिल जाएगा, आप लोग ठीक है किसी भी नंबर पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोग को यह जो बिजनेस है शुरू करना है शुरू कर सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद।